नमस्कार बच्चों, आज हम बर्ड माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड माइग्रेशन बेसिकली बर्ड का कोई भी किसी भी माइग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे माइग्रेशन क्या है। कोई भी साइक्लिकल मूवमेंट है, ये या तो फूड के लिए होता है या वेदर कंडीशंस की एडवर्स कंडीशंस हों और जहाँ ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस हों वहाँ जाने के लिए होता है, जो कि किसी भी एनिमल की लाइफ हिस्ट्री में होता है। ठीक है, एट डेफिनेट इंटरवल्स, मतलब एक साल में एक बार होगा या एक साल में दो बार होगा, डेफिनेट इंटरवल्स में होता है। और ऑलवेज इसमें क्या होता है, जहाँ से जो वो एनिमल जहाँ से चलना शुरू करता है, जहाँ से दूसरी जगह जाता है, वहाँ से वो अपने घर की तरफ वापस लौटता है। माइग्रेशन हम तभी कहेंगे जब उसमें एक रिटर्न ट्रिप जो है वो इंक्लूडेड हो। अगर उसमें रिटर्न ट्रिप नहीं है तो इट विल नॉट बी नोन एज माइग्रेशन। ओके, सो बेसिकली इट इज़ वेरी प्रोमिनेंटली फाउंड इन बर्ड्स। बर्ड माइग्रेशन जो है ये प्रीडोमिनेंटली होता है, ज़्यादातर बर्ड्स में पाया जाता है, इसलिए हम बर्ड माइग्रेशन को एक अलग से पढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि एनी साइक्लिकल मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू फूड एंड वेदर कंडीशंस दैट अकर्स ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ बर्ड और एनी एनिमल एट डेफिनेट इंटरवल्स होना चाहिए, और इसमें हमेशा एक रिटर्न ट्रिप होनी चाहिए जहाँ से माइग्रेशन शुरू हुआ है वहाँ से घर की तरफ, मतलब घर वापसी इसमें होनी चाहिए। अच्छा, बर्ड माइग्रेशन जो है ज़्यादातर नॉर्थ हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ देखा जाता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही ज़्यादा वेदर कंडीशंस जो हैं वो एडवर्स हो जाती हैं, तो बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ माइग्रेट करती हैं और फिर दे रिटर्न बैक टू दी देयर ओरिजिनल होम्स। नाउ दिस माइग्रेशन इज ऑफ सिक्स टाइप्स, छः तरह का माइग्रेशन देखा गया है बर्ड्स में। डेली या लोकल माइग्रेशन, अब डेली और लोकल माइग्रेशन आप देखते ही हो कि कई सारी बर्ड्स जो हैं वो रोज़ मूवमेंट करती हैं, जहाँ से जिस पेड़ पर रहती हैं उससे जहाँ जिन जहाँ उनका घोंसला होता है वहाँ से जाती हैं, और इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल फोर्सेस सच एज लाइट, जैसे ही सुबह हुई बर्ड्स आपने देखा चहचहाना शुरू कर देती हैं, तो वो क्या करेंगी, उस पेड़ से या जहाँ पर भी उनका घोंसला है वहाँ से वो जाएंगी, खाने की तलाश में जाएंगी, या फिर किसी और अच्छे टेम्परेचर के लिए जाएंगी, या फिर लाइट, अगर उसको लाइट पसंद है तो लाइट में जाना चाहेंगी, डार्कनेस पसंद है तो डार्कनेस में जाना चाहेंगी, ह्यूमिडिटी की कंडीशंस कैसी हैं, और ज़्यादातर ये फूड अवेलेबिलिटी के लिए होता है। तो ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं ये डेली माइग्रेशन करती हैं। डेली माइग्रेशन में क्या होता है, अपने घोंसलों से, जिन पेड़ों पर इनके घोंसले हैं वहाँ से एनवायरमेंटल फोर्सेज जैसे कि लाइट, डार्कनेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फूड अवेलेबिलिटी के कारण ये माइग्रेट करती हैं। और ये डेली माइग्रेशन जो है ये रेस्टिंग साइट से अपने फीडिंग एरियाज़ की तरफ होता है, यानी जहाँ पर उनका घोंसला है वहाँ से जहाँ पर उनको खाना मिल सकता है वहाँ पर होता है, एंड देन दे कम बैक टू देयर नेस्ट्स, बाकी वापस अपने घोंसलों में आ जाती हैं। और दूसरा तरह का जो माइग्रेशन है दैट इज़ कॉल्ड सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन में क्या है, इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू सीजनल चेंजेस, यानी सीजन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर सर्दी के बाद एकदम से वार्म वेदर, वार्म कंडीशंस आ गई या थोड़ी सी गर्मी आई तो माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। सीजन में चेंजेस होने से जो माइग्रेशन होते हैं जी, ज़्यादातर बिगनिंग और द एंड ऑफ द वार्म सीजन होता है, या तो वार्म सीजन शुरू हो रहा हो, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो मार्च अप्रैल में, या फिर ख़त्म हो रहा हो जैसे कि नवंबर में, तो ये ज़्यादातर उन सीजनल चेंजेस की वजह से ये माइग्रेशन होता है, जिसमें कि ज़्यादातर ये माइग्रेशन या तो गर्मी के सीज़न की शुरुआत में या गर्मी के सीज़न के ख़त्म होने पे शुरू होता है। ये ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में ज़्यादातर पाया जाता है, और ये ज़्यादातर दिस इज़ बेस्ट नोन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर यहाँ पर होता है, बिकॉज यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस जो हैं बहुत ट्रिमेंडस होते हैं, यहाँ ठंड भी गजब की पड़ती है और गर्मी भी बहुत भयानक पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पर ये चेंजेस या इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये माइग्रेशन देखा जाता है। और टेम्परेट एरियाज जो हैं, जैसे ट्रॉपिकल एरियाज से ऊपर टेम्परेट एरियाज हैं, वहाँ पर ये विंटर्स जैसे शुरू होती हैं उनके शुरुआत में ये माइग्रेशन होना शुरू हो जाता है। मीन्स बर्ड्स जो हैं वो अपने उस विंटर के विंटरिंग ग्राउंड से माइग्रेट करना शुरू कर देती हैं जैसे ही ठंड पड़नी शुरू होती है। ठीक है, तीसरे तरह का माइग्रेशन है साइक्लिक माइग्रेशन। साइक्लिक माइग्रेशन में क्या होता है, वो माइग्रेशंस जो सीजनल तो हैं बट दे डू नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब सीजनल तो हैं यानी गर्मी की शुरुआत में हो सकते हैं, सर्दी ख़त्म होने पर हो सकते हैं, पर ये ज़्यादातर रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होते। ये जैसे मान लीजिए हर साल नहीं होगा, ये 3 से 5 साल के बीच में एक बार होगा, तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक माइग्रेशन, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल्स पे, डेफिनेट इंटरवल्स पे नहीं होते हैं। चौथा जो माइग्रेशन है दैट इज़ कॉल्ड लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन। लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन में क्या होता है,
कि यहाँ पे माइग्रेशन नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, या तो बर्ड्स नॉर्थ से उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आ जाएं, या बर्ड्स दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएं। ये डेफिनेटली सीजनल कंडीशंस और ये जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं, विंटर कंडीशंस हैं, उनके चेंज से होता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन माइग्रेशन है, मतलब बहुत सारी बर्ड्स में इस तरह का माइग्रेशन पाया जाता है। जैसे ये नॉर्थ से साउथ की तरफ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ ज़्यादातर कब जाती हैं, जैसे कि स्प्रिंग का मौसम हो, जैसे पतझड़ के मौसम में, मतलब है ना। और ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जाती हैं, सॉरी फॉल में, यानी कि नॉर्थ से साउथ में ये ज़्यादातर विंटर्स में जाती हैं, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में साउथ से नॉर्थ की तरफ ये जाती हैं पतझड़ के मौसम में या स्प्रिंग में, ठीक है, बसंत में। ओके, नाउ इसमें डिस्टेंस जो है, दैट इज़ जो ट्रैवल करती हैं ये डिस्टेंस, दैट मे बी सेवरल थाउजेंड और फ्यू हंड्रेड माइल्स, मतलब इसमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करती हैं बर्ड्स, बहुत ज़्यादा, कई हज़ारों मील का सफ़र या कई सौ मील का सफ़र ये बर्ड्स यहाँ पर तय करती हैं। तो इसको ये माइग्रेशन भी काफ़ी कॉमन माइग्रेशन है, मतलब सबसे कॉमन माइग्रेशन। आपने देखा होगा कि जैसे फ्लेमिंगोज जो हैं, आपने सांवर लेक में सुना होगा बड़े सारे फ्लेमिंगोज आते हैं, पेलिकन्स आ जाते हैं गुजरात में, रन में, कच्छ के रन में। तो ये सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे के सारे नदर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आते हैं, और उसके बाद जैसे यहाँ पर ठंड पड़नी शुरू होती है, दे अगेन गो बैक टू सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन इज एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन में क्या होता है, इसको हम वर्टिकल माइग्रेशन भी कह सकते हैं, यानी जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी पहाड़ की चोटियों से अगर घाटियों की तरफ बर्ड्स आए तो हम इसको एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन कहेंगे, जो कि लंबाई में होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है ना। तो जो स्पीशीज माउंटेन्स में रहती हैं, पहाड़ों में रहती हैं, वो चेंजिंग सीजन, वहाँ पर जैसे ही ठंड पड़नी बहुत शुरू हो जाती है, उसके हिसाब से फिर ये घाटी की तरफ आ जाती हैं, जहाँ पर थोड़ा सा गर्म मौसम होता है। तो ये क्या करती हैं, जब ठंड पड़ती है तो दे मूव डाउनवर्ड्स, यानी पहाड़ की चोटियों से नीचे की तरफ आ जाती हैं, वार्मर और लोअर एल्टीट्यूड्स की तरफ, और जहाँ पर, क्योंकि डेफिनेटली ठंड में बर्फ़ बर्फ़ जम जाएगी, तो फिर वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी और शेल्टर भी नहीं रहेगा जब सभी जगह बर्फ़ जम जाएगी। तो ये घाटियों की तरफ आ जाती है, पहाड़ में नीचे की तरफ आ जाती है, उनके बेसिस की तरफ, और जैसे ही यहाँ पर ठंड का सीजन जो है बीतता है, दे अगेन गो बैक टू दी एल्टीट्यूड्स, हायर एल्टीट्यूड्स, वापस ये पहाड़ों की तरफ चली जाती है, चोटियों की तरफ चली जाती है। इसमें ज़्यादातर ये माइग्रेशन कूट्स ऑफ एंडीज, कूट्स जो बर्ड्स हैं वो एंडीज माउंटेन में इस तरह का माइग्रेशन करती हैं। तो ये माइग्रेशन बेसिकली किस लिए होता है, जैसे ही पहाड़ों पर बर्फ़ जमने लगती है या विंटर्स आती हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो बर्ड्स हैं ये नीचे की तरफ आ जाती हैं पहाड़ों से, और वार्मर और लोअर एल्टीट्यूड्स की तरफ आ जाती हैं, जहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी और वार्म कंडीशंस मिलती हैं इनको, शेल्टर भी अवेलेबल होता है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर बर्फ़ पिघलने लगती है या गर्मी का सीज़न आता है, वैसे ही दे गो बैक टू दी अपर माउंटेन रीजन्स, माउंटेन रीजन्स। ओके, इसमें कूट्स ऑफ इंडीज माउंटेन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नाउ द सिक्स्थ टाइप ऑफ माइग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन है तो डेफिनेटली जहाँ, जब बर्ड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएँ, है ना, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। जब बर्ड्स ईस्ट से वेस्ट यानी उत्तर से पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन कहते हैं। तो ये आपका आज का माइग्रेशन का हो गया। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।